उत्तर मध्य रेलवे द्वारा लगातार रेलवे के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और ऐसे में जब बड़ा टास्क महाकुंभ के रूप में है तो देखना होगा रेलवे ने क्या कुछ नए इंतजाम किए हैं। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। सर, सबसे पहले हिंदी खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है महाकुंभ को लेकर, कैसी रणनीति बनाई जा रही है? देखें, जो आगामी 2025 का महाकुंभ है वो खाली प्रयागराज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि मानव का सबसे बड़ा एक कॉन्ग्लोमेरेट होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी मेले में आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो इसकी महत्व को, इसके महत्व, आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने भी विभिन्न योजनाएं इसमें जो है प्रारंभ की हैं, विभिन्न कार्य प्रारंभ करने की तैयारी है। अभी देखें, कुंभ में मुख्य मुख्य भूमिका होती है जिला प्रशासन की, स्टेट गवर्नमेंट की। तो इस संदर्भ में हमारी 2 से 3 मीटिंग हो चुकी हैं ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। उसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे, इन तीनों का भाग पड़ता है प्रयागराज में। तो कुंभ के लिए डेडिकेटेड करीब करीब 400 करोड़ के वर्क हम करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर वर्क सैंक्शन हो गए हैं, ज़्यादातर कार्य सैंक्शन हो गए हैं और कुछ सैंक्शन होने की प्रोसेस में है। इसके अतिरिक्त बात करें कि हम आगे और क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा काम हम अभी करने जा रहे हैं प्रयागराज स्टेशन का, स्टेशन डेवलपमेंट, स्टेशन पुनर्विकास, जो अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है, जो खुद में 900 करोड़ के आसपास का काम है। ये भी अब अपना मूर्त रूप लेना धीरे धीरे शुरू करेगा, और कुंभ के पहले तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन कुंभ के पहले जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम कंप्लीट करके उसको इस प्रकार से लोगों को देने का प्रयास करेंगे कि वो कुंभ की तैयारियों में मदद कर सके। तो हमारे साथ थे उत्तर मध्य रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर, जिन्होंने बताया कि रेलवे कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, चाहे 2025 की बात हो, तकनीकी की बात हो, सुरक्षा की बात हो या बिहेवियर की बात हो, उत्तर मध्य रेलवे हर सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज हनुमत, हिंदी खबर, प्रयागराज।